केम छो मित्रो, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाइयों बहनों। आज मैं कुछ भी करूं उससे पहले हमारे पास कोई है आज इधर। काटियो ना गड़ाट दिवस। काकी इज बैक। काकी वेलकम बैक आपको। थैंक यू। तो काकी आए हैं तो खुशी का माहौल इधर डबल हो गया है और हम नहीं चाहते कि फिर से वो लेवल डाउन हो। तो काकी को हम थोड़े दिन अब यही रखने वाले हैं। वो उनको जाना है तो भी हम नहीं जाने देने वाले हैं। और ये देखिए तेल कितना डाला, 2 लीटर नहीं, पूरा 12 लीटर। ये भी छह पाजे 12 लीटर ऐसे 1 लीटर कौन डालता है ना दोस्तों। डालना है तो तेरी बात सही है, एकदम एकदम तेरी बात सही है। अब उस बात से हम आगे बढ़ते हैं। ये देखे बहन है हमारे पास। हाँ। पिताजी है और मम्मी है। गुड मॉर्निंग। और इतना और मजे का माहौल है कि जो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जो नाश्ता आया है अभी वो पिताजी एक काम से गए थे तो वहाँ के बाजू में एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, इधर ही बाजू में नहीं है, बहुत दूर है, और उधर से लेके आए हैं बहुत सारा नाश्ता। तो उसी से हम दिन शुरू करते, बाकी सब बातें बाद में। देखिए सादा पराठा से हम शुरुआत करेंगे, बड़े बड़े सादे पराठे। इतने बड़े इधर क्या है भाई? इधर आलू पराठा। ये आलू पराठा है। और उसके नीचे है ये पूरी बोल रहे हैं हम, जिसे भटूरा बोलते हैं। बड़ी 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 पूरियां है और इसके अंदर भी ये पराठे हैं। और यदि साथ में आया है हलवा, और हलवा और चना और चना और चना और हलवा, चना दाल और ये चने की दाल। यस, चाय हमने यही बनाई है। ये पराठा के साथ ये है। हाँ, दाल। इसके साथ वो छोटे डब्बी में क्या है, रायता है और उसके साथ भी थोड़ा हलवा है। और ये हलवा पूरी का सेट में चना, एक हलवा और 2 भटूरे। देखिए और एक्स्ट्रा भटूरे। मैंने आज पहले ही बोल दिया कि आज ओवर ईटिंग हो जाने वाला है सुबह सुबह। ये बॉडी का वो क्या बोलते हैं कि लोग डाइटिंग, वो सब बाद में करेंगे कल से। याद रखना नहीं नहीं काकी, ये ब्रंच नहीं है दोस्तों। कल एक नया वर्ड निकाला है कृष्णा और काकी ने, डाइटिंग। डाइटिंग मतलब डाइटिंग, जब तक मरते नहीं तब तक खाते रहो। आज का मेनू देख के यही लग रहा है। तो डैडी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऐसा बढ़िया काम आज आप इसी हफ्ते फिर से करिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। सुबह जैसे गुड मॉर्निंग वगैरह करते ना, उसके बाद डैडी का मुझे एक मैसेज आया कि आज नाश्ता नहीं बनाना है, मैं लेके आने वाला हूँ। तब मैंने बोला ये। कि जब डैडी ऐसा बोलते हैं तो डैडी बहुत बढ़िया सा नाश्ता लेके आते हैं। ओह वाह, थैंक यू सो मच। तो ताड़िया ना गड़ा दीवा दो। तो दोस्तों अभी है ना मत चाय भी है हमारे पास, तो पहले नाश्ता करते हैं फिर बाकी सब करते हैं। डैडी भाग पड़े कि नकरा बाटी बड़ी बड़ी चाय। सच में वो कर रहे हैं। इजी होता है, ऐसे नहीं लियो ना कोई भी बात है। आप दोस्तों हमको भूखड़ मत बोल देना, हम भूखड़ नहीं है। ज्यादा नहीं चलता है, बस इतना। तो काकी के साथ आज मैंने बोला आज ब्रंच है, ब्रंच। वो तो बोल रहे हैं काकी को हम खिलाई देने वाले दोपहर को भी। तो आज ब्यूटीफुल काकी के साथ ब्यूटीफुल मैं और ब्यूटीफुल बाकी सब लोग। काकी माँ नेचर ही ऐसा है कि बस जहाँ जाए ना वहाँ खुशी फैला देते हैं। तो हमको बहुत मजा आता है। 2-3 दिन से मिस कर रहे थे। कल तेरे डैडी गए, थोड़ा काम था और बोला कि चलो अभी मेरा काम है तो आप सीधा अजमान चलो। नहीं काकी, आप दिमाग नहीं खाते हो, थोड़ा थोड़ा दिमाग भी खाते हैं। तो आइए मस्त नाश्ता कर लेते हैं। दोस्तों मम्मी अभी अपना पिटारा खोल के बैठे हुए हैं। ये देखिए ये पुरानी सारी कुर्ती जो मम्मी को होती थी वो अभी निकाल रहे हैं। कभी और... कभी दिनों में मैं पतली हुआ करती। तो वो सारी ये अभी ये देखिए। अरे वाह गजब। वो तो ये मम्मी की कुर्ती मम्मी निकालते जा रहे हैं। ये कितना अच्छा लगता है। और मैं और बेन यहाँ पे फैशन शो कर रहे हैं। यस,
और मैं ट्राई कर रही हूँ, बहन की भी कुर्तियाँ ट्राई कर रही हूँ, मम्मी की भी कर रही हूँ, ये सब साड़ियों का ड्रेस का वारसा संभाल रहे। ऐसा नहीं है कि ये पुरानी पुरानी क्यों रखी है, याद ही रखी है कि कभी हम ऐसे भी थे। अरे वाह, मम्मी जो कपड़े निकालते हैं ना, वो मुझे कभी कभी ये लगता है कि सारे कपड़े मेरी वेट कर रहे थे। हाँ। अंजना बहन आपकी बहू अवनी का वेट कीजिए, जल्दी आ रही है, सारे कपड़े पे कब्जा कर। हाँ। और भी निकाले ही जा रही है, निकाले ही जा रही है, फुल स्टॉप नहीं। एक और चीज मैं बताती हूँ, ओके, आज पूरा निकाला है तो बस निकाली। ये क्या है? आज तो मालू जी, ये हमारी कृष्णा कभी इतनी हुआ कभी। ये बहुत फेवरेट था मेरा, कितना प्यारा, लवली। इतनी छोटी सी थी जब हम इधर आए, तभी कृष्णा इतनी थी। हाँ। और ये बूटकट, वो बूटकट स्टाइल प्लाजो। हाँ, देखिए ऐसा वाला, ये मेरा बहुत फेवरेट था, बहुत पहना है मैंने ये। और भी मैंने इसमें खजाना रखा, मम्मी ने सारी बचपन की यादें ऐसे संभाल के रखी। ये मेरा लखन का है। लखन इत्तू से थे, देख इसकी कमर देखिए दोस्तों, पहले से उसकी ज्यादा है, लेकिन इसकी कमर देखिए, ये पूरी ना दो मेट की कमर है। वाओ, ये इसके साथ इनका दुपट्टा। अरे वाह, ये लखन कृष्णा जब इधर इंडियन स्कूल में पढ़ते थे तो भी उसकी यूनिफॉर्म से लेकर बहुत सारी चीजें। उसके बाद लखन गया इंडिया पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में, ये शर्ट तभी का है। ओहो, ऐसा शौक कितने लोगों को है, तो ये पुराना पुराना संभाल के रखने का, ये भी उनका है। आज मैंने ये पूरी पूरी यादें जो है ना, अरे वाह, खोल के रखी। कितने पतले थे तब लखन, बहुत पतले थे। ये मुझे आ जाए ना ऐसे सारे ये शर्ट, इतने पतले थे। आज तो ढेर लगा दिया है इधर, कितनी बेडशीट मेरे पास है, वो भी मैं भूल गई थी, तो आज बस ये निकाल के ना, इसमें बेडशीट है, इधर ढेर किया हुआ है। ओ वाओ, है हमें इधर डाल दिया, कितनी बेडशीट्स है, बहुत है, बहुत है, माय गॉड। और मैं बता दूं, ये जब हम इधर आए थे ना, तभी प्रज्ञा मासी ने ऐसे चनिया चोली भेजे थे। हाँ। यस यस, बांधनी प्रिंट, ब्लू और रामा का कॉम्बिनेशन था ये वाला। ये सब मैंने संभाल के रखा हुआ है। मम्मी आई सू चैपिंग और चनिया चोली में इनु तो क्या ये सब भेजा था। हाँ, तो ये जो बच गया था, हाँ, वो भी मैंने संभाल के रखा। ओ, और ये बताऊ मैं, हाँ, इसकी स्टोरी तो बतानी ही पड़ेगी। जिस दिन मैं, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि आपकी स्ट्रगल की बात करो, हाँ, तो जब मैं इधर आई ना, तब मेरे पास ये एक ही ड्रेस था। ओले, मैं बार बार जब ऐसे आज पहन लिया, फिर कहीं जाना होता तो धो के संभाल के रख देती थी। हाँ। फिर कहीं जाना तो यही ड्रेस पहनती थी। तो मैंने अभी तो इसको उतार दिया सब निकाल के, पर इतू सी थी मैं। यस, मम्मी इतू से थे। यस, तो ये ड्रेस मुझे ये याद दिलाता है कि आज तेरे पास कबोर्ड भरा है, पर देख तो ऐसे भी दिन देखे हैं दोस्तों, हम ज्यादा रोना धोना नहीं चाहते हैं। हाँ। इसीलिए नहीं बताती हूँ, पर ये एक ही ड्रेस था जो मेरा सहारा था। मैं इधर आई ना, तभी साड़ी पहन के आई थी, वो एक साड़ी थी, ये एक ड्रेस था। हाँ। एक ये कपड़ा, इसका मैंने एक कुर्ती बनाया था। उस टाइम ये 35 रुपीज का एक मीटर था। हाँ। मेरे पास वो नहीं थे। ओले, सोचो। मैंने जैसे तैसे करके ना, सिलाई करके, मैं ब्लाउज बहुत सिलती थी, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा जोड़ के ना, एक कुर्ती, इसमें 2.5 मीटर चाहिए, तो 2.5 मीटर के लिए कम से कम 100 दिरहम चाहिए, रुपीस चाहिए। वो 100 रुपया मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठा करके ये कपड़ा लिया था, और उसमें से मैंने अपने हाथ से सिलाया, क्योंकि सिलाई का भी पैसा नहीं था। ओले, तो मैंने सिलाई के लिए दिया था।
तो ये सब कभी कभी ना ऐसे दिल में आ जाती है, ये सब यादें जब जुड़ती है ना एक साथ तभी, इसलिए मैं आज बता रही हूं। अरे बहुत अच्छा काम किया आपने, शाबाश, आप बहुत ऊपर आए हो। हाँ अभी तो इतना बड़ा कबर्ड है, अभी अभी गिनती किया मेरे पास चालू में पहनने के लिए 35 कुर्ती। वही वही आपने बहुत अच्छा काम किया, खूब तरक्की की, मेहनत करके, वेल नाइस। इस बात से मम्मी को ताड़ियों में गड़गड़ाहट। वाह 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 वाह, ये मेरी पुरानी यादें, वेरी नाइस। अभी तो इधर भी नहीं आती है। और एक चीज बताती, क्या चीज? और ये क्या है? ये जो है ना, हमारी शादी हुई थी ना आज से 29-30 साल पहले, तभी मासी है ना वो ससुराल से यात्रा करने गए थे, चार धाम की यात्रा, चार धाम की यात्रा। वहां से मेरे लिए ये बांधनी साड़ी लाई थी। ओ वाओ, तो वो साड़ी अब तक है ये? हाँ। कितना प्यारा है। मैंने इसका फिर दुपट्टा बनाया था, क्योंकि एक ड्रेस बनाया था उसमें ये अच्छा जाता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी बहन की यादी है, वो यात्रा गई थी, उनके पास शायद अभी तक कोई ऐसा नहीं होगा जो मैंने संभाल के रखा है। कितने लोगों के पास 30 साल पुरानी साड़ी है? वो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। उसको ये होगा कि ये क्या है, हर बार ऐसा पुराना पुराना निकालते रहते हैं। और ये भी एक शौक है, शौक है, यस। ये सिर्फ चीज नहीं है, ये कपड़ा नहीं है, ये पुरानी यादों का एक पिटारा है, एक एक जो सुगंध होती है यादों की, वो वाली चीज है ये। कि उस टाइम बहन ने मुझे याद करके ना ये पिंक कलर, वो बोली कि तेरे पे अच्छा जाएगा, तो कॉटन का है, एकदम मस्त, बहुत ही प्यारे, ये संभाल के रखा। वाह, हाय पीपल, ये लोग फिर से आज शॉपिंग में जाके आए बिना मेरे को लिए, है ना? आज क्या उठा के लाए हो ये बताओ। आज खाली ग्रोसरी शॉपिंग की। देख, खाली ग्रोसरी है आज, ब्रो। आज ग्रोसरी शॉपिंग किया और कुछ नहीं किया, और वो भी मैं और काकी दो ही लोग गए थे। ये दोनों घर पे थी क्या? हाँ, इनको नहीं लेके गई, लेके अच्छा है, इन्हें को लेके भी नहीं जाना चाहिए किधर। ऐसे ऐसे दिखाना पड़ता है कि बहुत प्रेम है, वैसे प्रेम नहीं होता है। हाथ पकड़ के जाती हूँ। सुन रहे हो क्या? आपके पीछे पीठ पर से बात हो रहा है, ओरिजिनल मुंह बहन का। तनिषा हमारी फई की बेटी आज क्या कैसे बोल रही थी बहन, बोल तो। मतलब आज जो ही उसको बोलना आ गया, ताड़ियों ना गड़ा दियो। दो चलो मैं क्लिप डाल देता हूँ, बेहतर आइडिया होगा। हाँ आज मैं फिर से खुश हो गया हूँ दोस्तों, खुशी का आज मौका है कि फिर से आलू का सब्जी बनाए। अभी देखिए माहौल, सुपर स्पाइसी आलू का सब्जी, साथ में सलाद और ये वगारेली खिचड़ी, और इसमें है रोटला, रोटला खाने वाले, रोटला खिचड़ी दूध बटेटा शाक चोरी चोरी ने खावानी। मैं मेरे लिए रोटी है दोस्तों, मैं आपके लिए खिचड़ी है, रोटी के साथ खिचड़ी ही, मैं खाऊंगा रोटी और आलू का सब्जी, कैमरा में मारू के कैमरा बंद करके। योर चॉइस, मैं पीटने वालों में से नहीं हूँ दोस्तों, ये पीटने वाला इसमें से नहीं, ये पीटा जाने वाले में से। मैं सामने पीट देती हूँ, ढाई किलो का दिखता नहीं लेकिन बहुत लगता है। मारी मारी मैंने पातड़ो करने की खुशे दोस्तों, मेरा शरीर का वजन 10 किलो कम हो गया, इतना 25 किलो, और बहन तो बहन की तो हड्डियां दिखने लगी है, देखो। ये तो जाता है कि और मैं मारू ताकि सब लोग ना अच्छी तरीके से हेल्दी हो जाए। और काकी माँ आ गए हैं यहाँ खाने के लिए, मेरे लिए काकी टी शर्ट बढ़िया पहना है आपने। तो हाँ, ये खाली प्लेट है हमारे पास, है काकी किसकी है? काकी तो मेरी है, हमारी है, अकेले की कैसे? मेरी बात कर रहे थे, मेरी बात, काकी हमारी बात कर रहे थे। तो दोस्तों अभी मामा जस्ट आने ही वाले हैं,
संदेशा पहुंच गया है उस पार, तो वो जैसे ही आ जाएंगे ये खाली प्लेटें हम भर देते हैं दोस्तों। लाजवाब केक आ गई है। ये बेन की फ्रेंड गुलिन लेके आए थे क्योंकि बेन का बर्थडे था, तो अभी ना पूरा वीक चल रहा है कृष्णा बर्थडे वीक। तो हैप्पी बर्थडे, तो आ जाए काकी माँ डैडी बेन मामा ये सारी केक खाने के लिए, वरना बचेगी नहीं हमारे लिए। गुलिन को बोलो और एक दो लेके आए। तो क्या मजा आया, ऐसा मजा करने नहीं, ऐसा मांग नहीं रहा है, अगर गुरलिन की इच्छा है तो। हाँ, ये उसमें बीच में बड़ा सा तो है। देखिए इनकी कारीगरी किस चीज में है, वो ऐसे नहीं डंकी में से पानी निकालते हैं। एक तो झड़कर गाख में चढ़ी जाए, ये यहाँ पे इतनी सारी ड्रम स्टिक क्यों पड़ी है? वो आज फ्रेश फ्रेश उतारी ना, तो मुझे लगा कि चलो कट करके रख देती हूँ। अरे मुझे कोई दिख गया। हाय मामा, केम छो मित्रो? मजा मां छे, तमे केम? तो बढ़िया। तो हमने खाना खा लिया है। देखिए अभी काकी वहां बैठे हैं, जबरदस्ती उन्होंने सब यहां से उठाया। खिचड़ी रोटला खाता हरी पटना खाई रहता है, खाट ले छोड़ी गया। जल सोपड़ी गयो से। और अभी देखिए बहु डायमंड डिग्री हो। दोस्तों मैं ये बोल रहा था कि हमारा दिन बहुत ही सुपर गया है, स्टिक को मैं ऐसा लंबा कर देता हूँ। तो हम लोग अभी धीरे धीरे सोने का प्रयास करेंगे, अभी ठाम वाम उठकना बाकी है, तो वो ये लोग अपना काम कंटिन्यू करेंगे। नहीं, आज हम नहीं उठने वाले। क्यों? आज आप उठोगे। आज हमारा ऐसे मन किए नहीं उठने का। टुडे वी डोंट फील लाइक इट। कोई बात नहीं, आज नहीं कल। अभी जाके इनको यही करना है, इनको पता है। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मौज कीजिए। कमेंट मेरा रख के वाले रहो, बाकी तुम्हें चूले रे वतन चूले जसो मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।